नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों में पंडित राजगुरु शर्मा, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए अगस्त मास 2023 कैसा रहने वाला है और वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए अगस्त मास 2023 क्या शुभ और क्या अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। साथियों, हम सीधा टॉपिक पर ही बात करेंगे, इधर उधर की बातें ना करते हुए आपका समय जाया नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप में से किसी भी भाई बहन ने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। और साथ ही साथ दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, जीवन राशिफल और अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहे। तो साथियों, अब सीधा टॉपिक पर आते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए अगस्त मास 2023 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए अगस्त मास 2023 80% शुभ साबित रहने वाला है, जिसमें टोटल 13 घटनाएं घटित होंगी, जिनमें से 2 घटनाएं अशुभ घटित होंगी और 11 घटनाएं शुभ घटित होंगी। लेकिन मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे ऐसी कौन सी वो 2 अशुभ घटनाएं हैं जो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के साथ अगस्त मास 2023 में घटित होने वाली हैं। नंबर 1, यदि आपके पिताजी हैं तो पिताजी का अचानक स्वास्थ्य खराब होगा, जिसकी वजह से आप चिंता में पड़ सकते हैं। नंबर 2, किसी कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखित रहेंगे, परेशान रहेंगे और उसमें पुरजोर लगाने के बाद भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये 2 अशुभ घटनाएं वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के साथ अगस्त मास 2023 में घटित होती हुई नजर आएंगी, देखने को मिलेंगी। मित्रों, बात करते हैं ऐसी कौन सी वो 11 शुभ घटनाएं हैं जो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के साथ अगस्त मास 2023 में घटित होती हुई नजर आएंगी। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगस्त मास 2023 वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा रहने वाला है। कार्य व्यवहार उत्तम रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आय में बढ़ोतरी होगी। नंबर 2, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नंबर 3, परिवार के हर सदस्य से आपको सहयोग मिलेगा, पूरा परिवार आपके साथ हर संकट परेशानी में खड़ा दिखाई देगा। नंबर 4, जो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, उस नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, वेतन बढ़ेगा, बड़े अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, मन माफिक जगह का परिवर्तन भी होता हुआ नजर आएगा। नंबर 5, जो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं कृषि भूमि काले पशुओं से जुड़े हैं, लोहा चमड़े के व्यापार से जुड़े हैं, गायन वादन गीत संगीत से जुड़े हैं, आयात निर्यात के साधनों से जुड़े हैं, किराए ब्याज के कार्यों से जुड़े हैं, लेखन प्रकाशन जुड़े हैं, खेल कूद व्यायाम से जुड़े हैं, तो उन सभी में आपको अपार सफलताएँ प्राप्त होंगी। नंबर 6, बौद्धिक कार्यों में व तकनीकी क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा और आय में बढ़ोतरी होगी। नंबर 7, घर परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, वस्त्र आभूषणों की जमकर खरीदारी करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से यदि जुड़े हैं तो राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, विरोधी आपके सामने पराजित रहेंगे। नंबर 9, यदि आप प्रेम में पड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं तो प्रेम संबंधों में घनिष्ठता आएगी, मधुरता देखने को मिलेगी। यदि आपके प्रेम संबंधों में पिछले कुछ समय से मनमुटाव चला आ रहा था, दूरी पैदा हो गई थी, कलह या कलेश पैदा था तो वो दूर होगा और आपके प्रेम संबंधों में फिर से मिठास देखने को मिलेगी, घनिष्ठता देखने को मिलेगी। नंबर 10, बड़े बड़े बुद्धिमानी व्यक्तियों से आपके संपर्क बनेंगे, तालमेल बनेंगे। नंबर 11, जो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं विद्यार्थी है, उनको विद्या में थोड़े से परिश्रम करने से ही शिक्षा में अपार सफलताएं प्राप्त होंगी, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ये 11 शुभ घटनाएं अगस्त मास 2023 में वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगस्त मास की कुछ तारीख आपके लिए कष्ट भरी रहेंगी, उनमें थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें, क्रोधवाणी पर संयम बरतते हुए अपने समय को गुजारने का प्रयास करें। वो तारीखें हैं 3, 13, 22 और 26। उपाय करने हैं, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें या मंगलवार के व्रत करें या फिर हर शनिवार को शाम को शनि मंदिर में जाकर 4 मुखी आटे का दीपक बनाकर सरसों का तेल डालकर काले तिल डालकर शनि भगवान के चरणों में जलाएं और शीश झुकाकर सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं को अगस्त माह 2023 का बिल्कुल सत्य और सटीक राशिफल। साथियों, यदि आपको हमारा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और यदि आप में से कोई भाई बहन अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है या जन्म कुंडली बनवाना चाहता है या अपनी किसी भी समस्या का समाधान करवाना चाहता है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। हम विधि विधान और विश्वास के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन साथियों, यदि आप में से कोई भी भाई बहन हमसे जानकारी लेता है हस्तक रेखा मस्तक रेखा जन्म कुंडली की अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए हमारे इंडिया में फीस 2100 रुपये है, विदेशों में 5100 रुपये फीस है, जो पहले जमा की जाती है उसके आधे घंटे बाद ही जानकारी देते हैं। और यदि आप किसी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग से होता है। तो साथियों, यहीं पर हम अपनी वाणी को अब देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद जय भारत।